हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे सब आप लोग? आज हम आपके लेके आए हैं लेक्चर थर्ड रोटेशनल मोशन का। जैसे कि आप जानते हैं, अभी क्रैश कोर्स चल रहे हैं, उसमें आपके डिमांड के अकॉर्डिंग हम टॉपिक बनाते जा रहे हैं। और तो उसमें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चंस करेंगे। और उसमें हम क्या क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, इसमें हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो टॉपिक है उसमें दो थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दोनों थ्योरम कवर करेंगे और प्लस साथ साथ दोनों के क्वेश्चंस भी करेंगे। अराउंड मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हैं प्रैक्टिस के, बट उससे प्लस ही रहेंगे। आप मान लो इसमें 5 to 8 क्वेश्चन रहेंगे, इसके भी 5 to 8 क्वेश्चन रहेंगे, ऑलमोस्ट 10+ क्वेश्चन आपको दोनों मिला के करने होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं ये तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूँ जो नीट लेवल और मेन्स लेवल के हैं, और मैं IIT लेवल नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, और डैम श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। देखिए, अब इसमें हम क्या, पिछले क्लास में अगर नहीं आपने पहली बार देख रहे हैं तो पिछली क्लास को जाके देखें और फिर उसके बाद से इस क्लास को आकर ज्वाइन करें। चलिए हम स्टार्ट करेंगे अब अपना लेक्चर। अपना है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है और किस पे एप्लीकेबल होता है, सबसे पहले समझे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमेशा टू डायमेंशनल बॉडी पे अप्लाई होता है, लाइक प्लेनर बॉडी हम बोल सकते हैं, कोई भी सीट है, रिंग है, डिस्क है, इस पे अप्लाई होगा। और अगर 3D शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा उस पे अप्लाई नहीं है, तो इसका ड्रॉबैक है। तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमेशा प्लेनर बॉडी के लिए लगा सकते हैं। अच्छा, इसका थ्योरम क्या है, मैंने आपको बना के दिए हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, मैंने एक आर्बिट्री बॉडी लिया है कोई सा भी जनरल, उसमें एक मैंने डीएम मास लिया है। जैसे कि मैंने इसको, मैं एक मिनट रुकिए, मैं आपको इस कलर से लेके चल रहा हूँ। हाँ देखिए, एक डीएम मास लिया मैंने, उसके कोऑर्डिनेट मैंने लिए हैं x, y। क्या कोऑर्डिनेट लिया मैंने, x, y। तो ये दूरी, हॉरिजॉन्टल वाली दूरी x हो जाएगी और वर्टिकल वाली दूरी y हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल x और y हो जाएंगे कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है, वी वांट टू कैलकुलेट i ऑफ फॉर dm मास। हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि dm मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना। हमने पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख लिया था, फिर रॉड के लिए सीखा था, सीट के लिए सीखा था, सबके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल के आपको दे दिया था प्रीवियस क्लास में। तो आप अगर नहीं देखे जाके उसको देखें और लर्न करने की कोशिश करें, पूरा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आप किसी dm एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं, i इक्वल टू dm और जो भी उससे दूरी होगी r, ओ r दूरी परपेंडिकुलर होना चाहिए किससे, उस मास से परपेंडिकुलर दूरी होना चाहिए एक्सिस की, तो ओ r अपना होना चाहिए r स्क्वायर हम लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम इसमें लिए हैं i x, अगर बात करूं मैं x कोऑर्डिनेट मान के चलूं तो i x के अबाउट, इसके अबाउट में बात करूं x के अकॉर्डिंग, तो इसका y की दूरी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा मास से परपेंडिकुलर दूरी, तो परपेंडिकुलर दूरी इसका y हो जाएगा, dm y स्क्वायर। ऐसे में y के अलोंग बोलूंगा तो क्या लिखूंगा, i y इक्वल टू dm x स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं z के अलोंग बोलता हूं तो क्या लिखूंगा, अपना अगर z एक्स से है ऊपर के साइड में तो iz क्या लिखूंगा मैं, ये z है तो iz लिखूंगा मैं, देखिए iz इक्वल टू dm x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दोनों लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारी दूरी जो है इस केस में ये वाली दूरी रहेगी परपेंडिकुलर दूरी, ये हो जाएगी अपनी, समझ पा रहे हो, ये परपेंडिकुलर दूरी हो जाएगी अपनी d या r बोल सकते हैं, जो भी आप बोले, ठीक है, dm r स्क्वायर, उसमें अपना ये परपेंडिकुलर दूरी हो जाएगा जो अभी मैंने हाईलाइट करा था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से आप ये समझे कि अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो dm x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर d आया था अपना पाइथागोरस थ्योरम से, तो उसका रूट ओवर करेंगे तो रूट ओवर का स्क्वायर, तो रूट ओवर से स्क्वायर मर जाएगा और ये चीज अपना आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे dm x स्क्वायर क्या था, आई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, तो हमने लिख लिया आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स, यही आपका थ्योरम है। अब इसको कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे समझना है, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझो कि अगर ये बॉडी, जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है तो आपको लगाना है आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स या आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है तो आपका आएगा आई एक्स इक्वल टू वाई
आई वाई प्लस आई जेड। अगर ऑब्जेक्ट जेड एक्स प्लेन में रखा हुआ है तो आई वाई इजकल टू आई जेड प्लस आई एक्स आएगा, ठीक है। अच्छा, बट अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझें। अब इसमें मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया था और जो ओरिजिन लिया था और जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो दोनों लाइन का, वो मैंने बॉडी के बाहर लिया था। लेकिन जब दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों का, आई वन आई टू का, मतलब पहले मैंने एक्स के अकॉर्डिंग आई वन निकाला था, वाई के अकॉर्डिंग आई टू निकाला था, जिसको आई एक्स आई वाई बोला था, वैसे मैं यहाँ पे आई वन आई टू बोल रहा हूँ, आई एक्स आई वाई नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो मैंने दो एक्सिस लिए, दो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो आई एक्स और वाई आई वाई दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है अब बॉडी के कहीं बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तब सॉल्व, तब इसका थ्योरम में कहता है आई थ्री इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू। तो आपको दो बात समझनी है इसमें, कि जो आपका आई वन और आई टू है इक्वल टू आई थ्री हम लिख रहे हैं, आई थ्री क्या होना चाहिए और आई वन आई टू कैसे हम जज करेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता देता मैं। सबसे पहले आप ऐसे लिखा हो, पढ़ लो पहले, इफ टू एक्सिस इज प्लेन इन द बॉडी परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा बोलना चाहता हूँ, अगर दो बॉडी हैं कोई भी, उनके जो एक प्लेन में कोई बॉडी रखा हुआ, उसके दो एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन और आई टू है, ठीक है। दो कोई भी बॉडी का आई वन और आई टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और दोनों आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। जो थर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई थ्री होगा, वो कैसे होना चाहिए, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे होना चाहिए और उन दोनों के उस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। किसके परपेंडिकुलर? प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, वही मैंने लिखा है यहाँ पे, रीड कर लेना, मतलब ये हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बॉडी शुड बी प्लेनर, बॉडी प्लेनर होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड कहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि इनसाइड ही हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट हो। मैंने दोनों केस ले लिए हैं, इनसाइड वाले भी आउटसाइड वाले, तो अगर आपको स्टेटमेंट लिखा मिल जाए कि इंटरसेक्शन पॉइंट इनसाइड ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा तो गलत है, या ऑलवेज आउटसाइड एग्जिस्ट करेगा तो गलत है, वो कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है। अच्छा, इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा सेंटर ऑफ मास पर होगा, ये भी जरूरी नहीं है, वो भी कहीं पे भी हो सकता है। तो तीन बातें आप याद रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद से आपको अप्लाई कैसे करना हो आपको सिखाता मैं। इसमें पूछा हुआ है कि इसके सेंटर जो लाइन पास हो रही है, रिंग है अपना, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। तो आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग का होता है वो किसके अबाउट हम लिखते हैं, किसके अबाउट लिखते हैं, हम जो लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हम लिखते हैं ओरिजिन के अबाउट, और हम ऐसे रोटेट करते हैं इस प्लेन में ऐसे रख करके और इसको ऐसे घुमाते हैं अपन लोग, ठीक है ना। अच्छा, अब देखें कि अब ये दोनों आई वन और ये आई टू आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम यही कहता है कि दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, और अपने को पूछा हुआ है इसका क्या होगा, और क्वेश्चन क्या है अपना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, हाँ ये पूछा हुआ है कि अपना I1 क्या होगा। चलिए, अब आपका I2 जानते हैं, I2 क्या होता है, जैसे आप रिंग की बात करें तो I2 क्या होगा, I2 हम जानते हैं mr स्क्वायर रिंग के लिए, इसमें नो डाउट फॉर रिंग सब जानते हैं। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे सिंपल तरीका, आपको दो परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करने हैं, उसके म्यूचुअल उन प्लेन के परपेंडिकुलर, तो अपना I2 आ गया, बट एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा जिससे हमें I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 लिख पाऊं। तो मैंने क्या करा, एक एक्स्ट्रा परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करा, देखें यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इस पे ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, इसका क्या नाम है भाई, इसको मैंने I2 नाम रख लिया और इसका मैंने I3 बोल दिया इसको, ठीक है, इसको मैंने I3 बोल दिया। I3 इक्वल टू क्या है, MR स्क्वायर। तो आप ये जानते हैं दोनों सिमेट्रिक है, 90 डिग्री पे अगर है और दोनों सिमेट्रिक अगर रहे, दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा, ऐसा रट ऐसा सभी समझ लो कि अगर बॉडी इसके अबाउट भी सिमेट्रिक मिल रहा है और इसके अबाउट भी सिमेट्रिक मिल रहा है, इसका मतलब आई वन इक्वल टू आई टू होगा, ठीक है, आई वन इक्वल टू आई टू होगा, और आई वन प्लस आई टू इक्वल टू आई थ्री, ये क्या, ये कौन सा थ्योरम है, यही जो थ्योरम अभी सिखाया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अच्छा, आई थ्री अपने को पता है, आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं, आई मान लेते हैं,
क्या मान लेते हैं आई, ये हो जाएगा टू आई इंप्लाइज दैट आई थ्री, वो कितना है एम आर स्क्वायर, तो आपका यहाँ पे क्या निकल आया आई निकल आया, वो आया एम आर स्क्वायर डिवाइड ओवर टू, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसके सेंटर के अबाउट कितना होगा एम आर स्क्वायर बाई टू। कन्फ्यूज मत हो, ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। कैसा, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, अगर दो कोई भी बॉडी हो, अगर 2D बॉडी हो, उनके जो आपस में जो एक्सिस बनाए आप, ठीक है ना, वो आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, और उनका जो थर्ड एक्सिस हो, ठीक है, जो I3 होता है, I3 हमेशा उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करना चाहिए और उस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने वो केवल I1 दे रखा है, सेंटर से पास कर रहा था, तो हमें एक और लाइन बनाने की जरूरत पड़ी थी जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। ऑब्वियसली अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस गोले को दो हिस्से में डिवाइड करेगा, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के अबाउट इक्वली होगा। ठीक है, इक्वल होगा तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 लगा दिया मैंने थ्योरम, तो अपना आंसर आ गया। ओके, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें अपना है नेक्स्ट, दोनों सेम क्वेश्चन हो गया क्या, इसमें आई फाइंड करना है, नहीं ये रिंग है या डिस्क था, ठीक है ना, पहला वाला रिंग था और ये वाला क्या है, डिस्क है। ठीक है, अच्छा डिस्क का क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, तो आंसर आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई फोर। ठीक है ना, बात वही पड़ेगी, वापस से आपको वही करना है कि अगेन एक एक्सिस बना लेनी है जो इससे पास करे, ठीक है, और परपेंडिकुलर में हो, इसका नामकरण कर देना है, क्या बोलो इसको, I2 बोल देता हूँ, इसको I1 बोल देता हूँ। ठीक है, और हम थ्योरम लगा लेते हैं इसके एक क्रॉस, जो आएगा वो I3 है, और I3 हमें पता है I3 इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू, वी नो दैट। ठीक है, हमें जानते हैं कि एम आर स्क्वायर बाई टू होता है उसके सेंटर के अबाउट, किसके, डिस्क के सेंटर के अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। ठीक है, एक्सिस ऐसे ही होते हैं, जैसे मैंने क्रॉस मारा था ऐसे एक्सिस होती है इसकी। ठीक है, तो आप समझ गए कि I1 प्लस I2 implies that I3 करना पड़ेगा, अगेन सॉल्व करेंगे तो I2 इक्वल टू क्या जाएगा, ये दोनों I1 प्लस I2 इक्वल है, चूंकि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, क्योंकि पीछे वाली कहानी सिमेट्रिक मिलेगा अपने को, यहाँ पे कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई फोर, ये आपका आंसर है। समझ में आया, चलिए आगे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, दो रॉड दिया हुआ है, रॉड का अपने को इसके अबाउट जो रेड वाला पॉइंट है उसके I3 अपने को निकालना है, और एंगल दे रखा है आपस में परपेंडिकुलर है दोनों रॉड। तो हमने क्या सीखा, हमने यही सीखा था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कि I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, एक कब लगाना है, जब दो एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हो, एक तो रॉड की एक्सिस जो है I1 और I2 क्या परपेंडिकुलर है, हाँ जी परपेंडिकुलर है, और इनका जो प्लेन है XY प्लेन में रखा हुआ है, तो जेड प्लेन जो है वो उसका क्या होगा, उसमें थर्ड वाला I3 आना चाहिए, उसका एक्सिस थर्ड वाला का एक्सिस आना चाहिए, क्या थर्ड वाले का एक्सिस ऐसे ही आ रहा है इस तरीके से, तो सही लगा सकते हैं अपन लोग। तो I3 कितना हो जाएगा, I3 इज इक्वल टू I1 कितना है एम आर स्क्वायर बाई 12, सेंटर के अबाउट है, तो एम आर स्क्वायर बाई 12 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 12, आंसर आ गया एम आर स्क्वायर बाई 6। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन है, एक क्या है आयत है, हिंदी में आयत कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल, ठीक है, कभी कभी इंग्लिश। चलिए आ जाइए, अपने को निकालना है I1, I2, I3 और I4 सब निकालने हैं, चलिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले मैं I1 निकालता हूं। देखें I1 कैसे आपको निकालना है, आपको सिखाता हूं। I1 के लिए आप क्या करें, I1 रेट पहला वाला था जो मैं लिख रहा हूं अभी, ये वाला I1 अपना है, इसके अबाउट कर रहा हूं, तो इसके अबाउट अगर कोई बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है ना, एक्सिस अपनी ये हो गई ना, तो अगर एक्सिस ये हो गई तो इसके अबाउट एक बीट आ जाएगा, और आपको बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में सीट का रॉड की तरह एक्ट करता है, सीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रॉड की तरह ही होता है, तो अगर कॉर्नर के अबाउट है तो क्या हो जाएगा क्या हो जाता है एम एल स्क्वायर बाई 3, यही होता है ना। अच्छा इसकी लंबाई क्या उसके
अगेंस्ट उसके लंबाई उसकी बी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई थ्री, ये अपना आई वन आ गया, समझ में आया। अच्छा दूसरा जो है आई टू, आई टू कहाँ पे है, आई टू अपना ए है, आई टू भी लिख पा रहे हो आप, देखिए कितना एम एल स्क्वायर बाई थ्री, ठीक है। अब प्रॉब्लम अपना आ रहा है आई फोर और आई थ्री का, आई फोर और आई थ्री का। अब यहां पे आपको थ्योरम लगाने की जरूरत पड़ सकती है क्या, सोचे। अब क्यों, अगर थ्योरम आप लगाएंगे ठीक है, तो क्या दोनों लाइन परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। अगर थ्योरम कब लगाते, जब यहां पे कोई एक्सिस ऐसे पूछता तब लगाते आप। एक जनरली बस ऐसे पूछा है तो आपको क्या ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करें, आई थ्री अलग निकाले और आई फोर अलग निकाले, कैसे करना वो भी समझाता मैं आपको, बताएं। आई पहले आई थ्री कर लेते हैं, और जो इसको कौन से कलर से लूँ मैं, चलिए आई थ्री करते हैं, आई थ्री वाला कर रहा हूँ मैं। अगर मैं आई थ्री की बात करूँ तो सेंटर की अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। इसकी एक्सिस कैसे है, ऐसे है, ठीक है। तो रॉड अगर होता है, कोई भी रॉड अगर देते हैं, ये रॉड है कोई ऐसा जिसकी लंबाई बी है और ऐसे इसकी एक्सिस है, बसा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जल्दी बोलो कितना होगा, ये होगा एम बी स्क्वायर बाई ट्वेल्व, तो हो गया अपना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई ट्वेल्व, सॉरी अच्छा ऐसे इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, ठीक है। ये अपना आई थ्री आ गया, आई फोर आ गया, दोनों ही दोनों आ गए। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है अपने पास, थ्योरम है, थ्योरम है दूसरा, थ्योरम अपना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, सिंपल सा बात, एक मिनट इसको इरेज कर लें जो, इसका मैंने प्रूफ करा है, आपको प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप आईआईटी के स्टूडेंट हैं तभी आपको जरूरत पड़ती है, अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं या फिर मेडिकल के स्टूडेंट, तो आपको जितना खास कोई जरूरत पड़ने वाला नहीं है। फिर भी आप समझ ले एक बार कि थोड़ा फील आ जाता है अपने को। देखिए मैंने क्या करा है, कोई भी आर्बिट्री बॉडी लिया है, वहां पर एक डीएम मास लिया है जो कि कहाँ पे है, यहां से एक्स कॉमा वाई दूरी पे है, उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई पे है। तो ओरिजिन मैंने इसको मान के तब करा था, तब एक्स कॉमा वाई पे थे। अच्छा इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास मैंने माना है कि यहां से एक्स सीएम और वाई सीएम कोऑर्डिनेट पे कहीं यहां एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसका एक्स पहले सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, फिर एक्स सीएम के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है मैंने, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओरिजिन 0.0, तो हो जाएगा आई इक्वल टू डीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि उनके बीच की दूरी परपेंडिकुलर दूरी, तो परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा द रूट ओवर का स्क्वायर, तो रूट ओवर स्क्वायर मर जाएंगे। अच्छा दूसरा अगर मैं उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखें, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के, तो क्या लिखूंगा आई सीएम इक्वल टू डीएम एक्स स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी कितनी मानी थी मैंने, x डैश मानी है, और इसकी दूरी कितनी मानी है, y डैश मानी है dm मास की, ठीक है ना। तो a लिख दिया मैंने, अब इसको सॉल्व कर ले रहा है। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को उठाना है, और एक चीज और यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, पूरी x की वैल्यू जो है x cm प्लस x डैश की इक्वल है, और y की वैल्यू y cm प्लस y डैश के इक्वल है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब बात करेंगे, अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करें और y की वैल्यू पुट करें, तो कुछ अपने को इस तरीके का इक्वेशन देखने को मिलेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो अपना x cm का स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ओपन करेंगे, तो अपना मिलेगा x डैश स्क्वायर और y डैश स्क्वायर, जो अपना क्या हो जाएगा i cm हो जाएगा, और बाकी ये क्या हो जाएगा एम डी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, और बाकी सारे कॉन्स्टेंट जो टर्म है वो सारे कॉन्स्टेंट और जीरो के इक्वल होने चाहिए। अच्छा ये हो जाता है डीएम एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू डीएम एक्स सीएम स्क्वायर प्लस वाई सीएम स्क्वायर। अच्छा एक्स सीएम स्क्वायर प्लस वाई सीएम स्क्वायर क्या है, देखिए डी स्क्वायर है, तो यहां पे मैंने लिख दिया कि एक्स सीएम स्क्वायर प्लस वाई सीएम स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर लिख दिया मैंने एक्स सीएम स्क्वायर प्लस वाई सीएम स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, तो अपना बन गया आई इक्वल टू आई सीएम प्लस एम डी स्क्वायर
प्लस जीरो, जो भी उसके आगे टर्म बचते हैं वो क्या होंगे, जीरो के इक्वल होंगे। ठीक है, ए टर्म बचते हुए थे वहां पे वो जीरो के इक्वल होने चाहिए। तो अपना ये सेकेंड आगे अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो क्या हो गया कि आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। अब इसमें आप जो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये आप 3D ऑब्जेक्ट के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट के लिए लगा सकते हैं। तो इसकी क्या खासियत है, इसकी बात समझे। पहली बात, दो एक्सिस जो होने चाहिए इसमें पैरेलल होने चाहिए, और जो पैरेलल एक्सिस होने उसमें से एक एक्सिस जो हो वो सेंटर ऑफ मास से पास करे, किसके बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। पहली कंडीशन क्या बोला, दोनों आपस में लाइन दो एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए और उसमें से एक एक्सिस एटलीस्ट सेंटर ऑफ मास से पास करे। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास से पास करनी ही चाहिए। अच्छा, वहां पे डी क्या है, जो डी है दोनों एक्सिस की बीच की परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर दूरी, और बॉडी जो है प्लेनर और नॉन प्लेनर कैसा भी हो, 2D 3D कोई हमें मतलब नहीं है। ये तीन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो जैसे कि मैंने सॉलिड स्फीयर लिया, अब सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 mr². ठीक है, अब उसको अपने को सॉल्व करना है, क्या किसके अबाउट निकालना हमने को, कॉर्नर के अबाउट, जो हमने लाइन बना रखी इसके अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देना है। तो आप सिंपल सा बात समझे, अगर इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप क्या करें कि कोई ऐसा लॉजिक लगाएं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई हो जाए या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई हो जाए। तो देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि जो एक्सिस होने चाहिए आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए और जो थर्ड एक्सिस हो उनके प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3D का बॉडी है, पहली बार 3D में लगता नहीं परपेंडिकुलर एक्सिस, तो आपको परपेंडिकुलर सोचना नहीं है, क्या सोचना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम सोचना है। तो पैरेलल लाइन तो ड्रॉ करना पड़ेगा, हाँ भाई बिल्कुल ड्रॉ करेंगे, तो लो कर देते हैं पैरेलल लाइन ड्रॉ, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। और जो आपने पढ़ा आपको अगर याद होगा तो इसका जो मोमेंट ऑफ एनर्जी आता था इसके अबाउट आता था, कितना आता था, 2/5 mr². याद है क्या, इसके अबाउट ही होता है 2/5 mr². अच्छा, तो अपने को क्या करना है, अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता है तो अपने को डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लेना। क्या कहता है फॉर्मूला, I इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर, यही है अपना। तो I इंप्लाइज दैट आई सी एम क्या है, 2/5 mr² प्लस एम डी स्क्वायर, डी कितना यहाँ पे आर है तो एम आर स्क्वायर, तो अपना आंसर कितना आ गया, I इक्वल टू सेवन बाई फाइव एम आर स्क्वायर, ये अपना आंसर आ गया। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर होला स्पेयर है तो होला स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr², अगेन वही कहानी कि आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है वो होता है 2/3 mr². ठीक है, तो आप अगेन आप लगा लेंगे I इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा I इक्वल टू 2/3 mr² + mr² तो I इक्वल टू कितना 5/3 mr². बात समझ में आ रही है आप लोगों को, चलिए अगर समझ में आ रही है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक रिंग दिया हुआ है, अब यहां पे तो रिंग दिया हुआ है तो रिंग में हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा ही सकते हैं ना, रिंग पे तो हमने सीखा हुआ है। अच्छा भाई, और हमने अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा अप्लाई करना सीखते हैं। भाई रिंग का हमने जो सीखा था ना वो हमने किसी यहाँ इसके अबाउट हमने जो क्वेश्चन सारे करे थे, अभी इसके सेंटर के अबाउट जो लाइन है उस पर हमें उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो भाई अब क्या करें, अब हमारा सारा हक्का बक्का गुल हो गया, तो कुछ ऐसा हमें करना पड़ेगा कि थोड़ा आसान हो जाए क्वेश्चंस। तो कैसे करेंगे भाई, सिंपल से काम करेंगे कि अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है तो हमने जो सीखा है कि अगर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है तो आपको एक लाइन एक पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसका आपका जो सेंटर ऑफ मास से पास करे और दूसरी लाइन कहीं से ही पास करे पैरेलल हो, उनके बीच की दूरी पता हो। अब बच्चा क्या सोचेगा, ठीक है सर आपने जो बोला उसको हम फॉलो करते हैं और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, लो पैरेलल ए बी है और इस लाइन को ड्रॉ कर लिया, एक मिनट
इसको नहीं आगे बढ़ाना मुझे, एक मिनट। ठीक है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने और इसकी दूरी ही पता है, लेकिन भाई साहब इसका थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, इसका थोड़ा पता है कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फिर कैसे करोगे? इसका नहीं पता आपको और इसका भी नहीं पता है तो सॉल्व कैसे करोगे? तब तो हम फंस गए ना। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसके वजह से हम खुद फंस जाएं। तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि जो अपना थ्योरम अप्लाई हो जाए इसमें। तो हमने जो पढ़ा है अभी तक, दो एक थ्योरम पढ़ा है, पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो भाई पैरेलल तो काम कर नहीं रहा है, परपेंडिकुलर सोच के देखते हैं। अब क्या करें, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें जो इसके परपेंडिकुलर हो। तो वो तो हमारे मन में दिख रहा है अपने को, ऐसी एक लाइन परपेंडिकुलर हो गई, देखो हो गई ना। अच्छा, और सिमेट्रिक मिल रहा है अपने को, इसके अबाउट आई तो इसके अबाउट भी आई और इसके अबाउट ही निकालना है तुमको आई। तो भाई अब क्या, और हम जानते हैं कि इसके सेंटर के अबाउट आई थ्री रिंग का हमें पता है, जो आई थ्री होता है रिंग के अबाउट। आई थ्री क्या होता है जल्दी बोले, एम आर स्क्वायर रिंग के अबाउट, ठीक है ना। अच्छा, तो हो गया अपना आई प्लस आई, आई वन प्लस आई टू, आई वन इसको आई वन बोला, इसको आई टू बोल रहा हूँ, दोनों इक्वल ही है। तो आई आई इजकल टू एम आर स्क्वायर, देखें आई इजकल टू कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है ना। ये शायद हम पीछे भी कह रहे थे हम लोगों ने सॉल्व, ठीक है। अच्छा, अब क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, इसका एक रीजन है। हमने जो पूछा हुआ है मेन क्वेश्चन अपना जो है, एक लाइन दे रखा है जो ऐसे यहां से पास हो रही है, ठीक है, और हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है ना। ये लाइन दे रखा है, इसका निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, तो फिर कैसे करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो अब इसके लिए मेन टारगेट हमारा था इसके लिए क्वेश्चन करना। मैं एक बार इसको इरेज कर देता और फिर वापस से सॉल्व करता। चलिए, इसके अबाउट अपना आई जो आ गया था वो कितना आया था, आई इजकल टू एम आर स्क्वायर बाई टू। अच्छा, और हमें इसके अबाउट आई निकालना है, आई टू मान लेते हैं, इसके अबाउट आई टू निकालना है। अब थ्योरम क्या कहता है, पैरेलल एक्सिस आई इजिकल टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर, यही कहता है। अच्छा, आपका आई सी ओ एम क्या है, आपका आई सी ओ एम यही तो पॉइंट है आई सी ओ एम, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से यही पास हो रहा है। तो अपना क्या हो गया, आई सी ओ एम हो गया। तो अपने को आ गया आई टू इजिकल टू एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर, सॉरी यहां पर एम आर स्क्वायर नहीं होगा। देखें, अब आपको यहाँ पे दूरी आपको निकालनी पड़ेगी कि ये डिस्टेंस होगी कितनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि इनके बीच की दूरी ए डी है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो आप एक ट्रायंगल देखें, इसमें ये ट्रायंगल ए बी आर है और ए बी आर है, एंगल कितना है 45 डिग्री, ध्यान से देखेंगे तो एंगल कितना होगा 45। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ए बी आर तो ए साइड और ए साइड आपस में इक्वल है, तो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे 90 डिग्री पे, तो 45 होंगे। तो अगर ए दूरी आर है तो कितना होगा, आर कॉस 45, तो डी इजकल टू अपना आ गया डी इजकल टू आर कॉस 45, इसका मतलब आर बाई रूट टू, आर बाई रूट टू। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे एम आर स्क्वायर बाई टू, तो आई टू कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। तो आपका ये आंसर आ गया एम आर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इस पेज मैंने छोड़ा था, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या डिस्क दे रखा है और ऐसे एक्सिस दे रखी है और इसके अबाउट पूछा हुआ है। तो अच्छा, क्या सिंपल क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन कैसे है, हमें भाई पता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो कहता है वो कहता है आई इजकल टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर, यही कहता है। जबकि हमें आई सी एम पता है, आई सी एम पता है क्यों, क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट, यही तो अपना आई सी एम है भाई, यही तो आई सी एम है। वो कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई टू,
एम आर स्क्वायर बाई टू, और इसके अबाउट अपने को निकालना है, और दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, अगर दोनों एक्सिस पैरेलल हैं तो अपना आई इज इक्वल टू कितना आ गया एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस दूरी कितनी हो गई एम आर स्क्वायर। अब इससे सॉल्व करने पर जो भी अपना आंसर आए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से क्वेश्चन क्या है, थ्री इसका आंसर कितना आ गया थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मूव करते हैं। अब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ये क्या है अपना डिस्क है कि रिंग है, ये भी देख लेते हैं अपना, ये है अपना प्रीवियस को, हाँ ये भी डिस्क ही है, ये डिस्क है भैया, और इसका इसके अबाउट निकालना है। हमने जो पढ़ा इसके इसके अबाउट हमने सीखा था भैया एम आर स्क्वायर बाई टू, लेकिन अब तो इसके अबाउट निकालना है, तो हमें जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा तो कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे। अब इस पे खेल खेलते हैं, अब वापस पहुंच जाओ पीछे, जब मैंने आपको बताया था पैरेलल एक्स परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसमें मैंने बताया था आपको एक क्वेश्चन एम आर स्क्वायर बाई फोर, सेंटर के अबाउट लाइन ड्रॉ करा था, एम आर स्क्वायर बाई फोर आया था, आई वन आई टू दोनों इक्वल थे, तो वापस ये कहानी आप यहां पे रिपीट करेंगे, और आपको एक निकल आएगा जो एक्सिस आप ड्रॉ करेंगे यहां पे दो एक्सिस तो आपस में पैरेलल होंगे, और आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे जो कि आएगा एम आर स्क्वायर बाई फोर। अब क्या यही तो अपना आई सी एम है भैया, यही क्या आई सी एम, तो अपने को क्या चाहिए इसका चाहिए, तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई फोर प्लस बीच की दूरी एम आर स्क्वायर, कितना हो गया फोर फाइव बाई फोर एम आर स्क्वायर, ये होगा ना एलसीएम फोर आ जाएगा, और फोर हाँ फाइव बाई फोर, फाइव बाई फोर एम आर स्क्वायर।